So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous lectures we have started isometric projection. जिसमें हमने एक क्वेश्चन भी देखा था isometric projection का कैसे सॉल्व करते हैं। अब आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इस तरह से सर्कल या कोई कर्वेचर दिया रहेगा, तो उसे हमें यहाँ से इधर ट्रांसफर करना है। अगर ये ऑर्थोग्राफिक दिया है, हमें आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, तो सर्कल का कैसे ट्रांसफर करते हैं, मतलब मैंने बताया था आपको कि सर्कल इलिप्स बन जाता है, तो वह कैसे ड्रॉ करना है, ये आज के लेक्चर का टॉपिक है। ठीक है, तो मैं दो तीन सिंपल केसेस लेके मैं आपको सर्कल को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखा दूंगा, फिर हम इसको एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे। सही है, सो लेट अस स्टार्ट। नाउ ऑब्जर्व दिस गिवन इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसका अभी हमें क्या करना है, आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, उसमें इस सर्कल को भी ट्रांसफर करना है। तो कहाँ से शुरू करते हैं, हम पहले ऑब्जर्व करते हैं कि फ्रंट व्यू कहाँ पे है। ये फ्रंट व्यू है, यहाँ पे हमारा ओ पॉइंट है। सो ये डायरेक्शन एक्स बन जाता है, ये डायरेक्शन वाई बन जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है, तो यहाँ पे ओ आता है, ये जेड बन जाता है, ये वाई बन जाता है। फिर हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए तीनों एक्सेस को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, हमें कंस्ट्रक्शन लाइन से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना होता है। सही है, फिर एक पॉइंट मार्क करके वहाँ से एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करना होता है, जो कि हमारा वाई एक्सिस होगा। फिर हम क्या करते हैं, 30 डिग्री पे इधर एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, 30 डिग्री पे इधर जेड एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सो इनको नाम दे देता हूँ मैं, तो ये क्या बन गया आपका, एक्स बन गया, ये आपका क्या रहेगा, वाई रहेगा, और ये जेड। आगे क्या करते हैं, हम फ्रंट व्यू को ऑब्जर्व करते हैं। एक्स के डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं ऐसा कैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि कंप्लीट फेस है उधर, तो मैं एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस अगर यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, तो ये फेस मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। फिर ये हाइट मुझे पता रहेगा, तो ये हाइट में अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये वर्टिकल फेस भी मुझे मिल जाएगा, वर्टिकल एज। फिर ये डिस्टेंस मुझे पता है, जो कि इसको फॉलो करेगा, एक्स को फॉलो कर रहा है वो, तो इसको एक्स में लेके जाऊंगा मैं, कितना डिस्टेंस जाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस मेजर कर लूँगा। फिर वहाँ से ये वाई एक्सिस की लाइन, इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो हमारे फ्रंट व्यू का फ्रंट फेस हमें मिल चुका है। ठीक है, मैं क्विकली क्या करता हूँ, साइड व्यू का जो जेड डायरेक्शन है, ओ से हम जेड डायरेक्शन में, ये जो विड्थ है, ओ से हम जेड डायरेक्शन में जाएंगे, ये हमारा ओ पॉइंट है, तो वो जो कुछ विड्थ रहेगा वो वहाँ पे प्लॉट करके ये पॉइंट मिल जाएगा मुझे, ये वाला। फिर वहाँ से मैं क्या करूँगा, वाई डायरेक्शन में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर जेड डायरेक्शन को ये कनेक्ट करके इस तरह से बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। सही है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखो उसका क्या है। फिर ये टॉप व्यू मुझे समझ चुका हूँ कि यहाँ पे इस तरह से आएगा, एग्री। अब बचा क्या है इसमें, इसमें हमें ये होल दिखाना है, तो इस सर्कल को इधर ट्रांसफर करना है। तो सर्कल को ट्रांसफर करने का प्रोसेस अब मैं शुरू करता हूँ। यहाँ तक तो हमारा ऑर्डिनरी था, ये हर क्वेश्चन में हो सकता है इस तरह का। अब ऑब्जर्व करना है ये सर्कल कौन से प्लेन में है, फ्रंट व्यू में है, इसलिए मतलब इसका एक्स और वाई में है। सही है, तो सर्कल अगर एक्स और वाई में है, तो हमारा इलिप्स भी एक्स और वाई में ही आना चाहिए। पॉइंट नंबर वन क्लियर हो गया, सर्कल एक्स और वाई में है, तो इलिप्स को भी वह एक्स और वाई में ही लेंगे। सर्कल जिस प्लेन के ऊपर है, जिस फेस के ऊपर है, उसी फेस का इधर करेस्पॉन्डिंग फेस जो रहेगा वो हमें ढूंढना है। सर्कल जो ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, ऑलमोस्ट लास्ट को करेंगे हम, हर क्वेश्चन में इसको जितना पॉसिबल होगा उतना लास्ट में करने की कोशिश करेंगे। हमारा ऑलमोस्ट 60-70 से 80% डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, जो कुछ बचा कुचा सर्कल का पार्ट है उधर ट्रांसफर करने का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। जनरली अगर ज़रूरत पड़ी तो शुरू में भी करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये फेस आइडेंटिफाई हो गया सबको, ये वाला फ्रंट फेस, उसके ऊपर सर्कल है, तो इसको मुझे इधर ट्रांसफर करने का पहला स्टेप आपको माइंड में क्या करना है, यू कैन डू दिस इन माइंड, और आप अपने आंसर पेपर पे, सॉरी क्वेश्चन पेपर पे भी कर सकते हो। क्या करना है आपको, माइंड में एक स्क्वायर तैयार करना है। कौन सा स्क्वायर रहेगा, इंस्क्राइब दिस सर्कल इनटू अ स्क्वायर, आपको इस सर्कल को एक स्क्वायर में इंस्क्राइब करना है, या आप आंसर पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे भी कर सकते हो रफ में, या आप माइंड में भी कर सकते हो। तो ये सर्कल कहाँ पे बैठा है, इस स्क्वायर में बैठा हुआ है। तो ये हर सर्कल स्क्वायर में ही बैठेगा, क्योंकि डायमीटर क्या रहता है, सेम रहेगा दोनों साइड पे, तो ये स्क्वायर ही आएगा। स्क्वायर का साइज क्या रहेगा, उसका डायमीटर रहेगा। एक बार ये स्क्वायर मिल गया, समझो मैं इसको टेम्पररी नाम देता हूँ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये सी और ए डी, ये मेरे कम्युनिकेशन के लिए, आपको बताने के लिए, नाम देना ज़रूरी नहीं है। फिर हमें क्या करना होता है, उस सर्कल का जो सेंटर रहेगा उसको पहले ट्रांसफर करो ओरिजिनल डायग्राम में। हमारे आइसोमेट्रिक में इसको यहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, उसका जो सेंटर है, कहाँ पे है ये सेंटर, यहाँ पे है। तो ये सेंटर मुझे इधर ट्रांसफर करने के लिए क्या लगेगा, ये वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस लगेगा, ये मेजर करो, यहाँ पे मार्क करो, वहाँ से एक्स डायरेक्शन को पैरेलल एक चेन लाइन ड्रॉ करूँगा। क्लियर है, फिर क्या करूँगा,
ये वर्टिकल लाइन ले लूंगा, वर्टिकल चेन लाइन जो है ये इतना डिस्टेंस रहेगा, सही है। कौन सी डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में जाके यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूंगा और वहां से एक वर्टिकल चेन लाइन ड्रॉ करूंगा, एक वर्टिकल चेन लाइन ड्रॉ कर लिया। इस तरह से मैंने क्या किया, पहले सेंटर को आइडेंटिफाई किया, हो गया सबको क्लियरली विजिबल है, आई डोंट नो ये विजिबल है या नहीं, ऑरेंज कलर है थोड़ा, सेंटर मिल गया सबको। अब क्या करना है, इस स्क्वायर को जो हमने माइंड में क्रिएट किया था उस स्क्वायर को ट्रांसफर करना है। तो स्क्वायर को कैसे ट्रांसफर करोगे, हर बार आपको रेडियस लेना है, सर्कल का रेडियस जो कुछ दिया रहेगा क्वेश्चन में, समझो 25 mm रेडियस दिया है, तो 25 mm यहाँ से ले लो, सेंटर से इस डायरेक्शन में ट्रांसफर करो, ये पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, सही है। इसको मैं कंस्ट्रक्शन में करना है तो इसको मैं पेंट करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, फिर 25 इधर ट्रांसफर किया, फिर इधर ट्रांसफर करो, फिर एक पॉइंट मिल जाएगा, फिर ऊपर ट्रांसफर करो, ये वाला पॉइंट बी, बी ले लो, फिर पॉइंट डी। इस तरह से मैंने क्या किया, ए बी सी डी इन पॉइंट्स को पहले ट्रांसफर किया, क्लियर हो गया यहाँ तक, ए बी सी डी कहाँ पे आएंगे ये पॉइंट्स, इन सेंटर लाइंस पे आ जाएंगे, सही है। अब इन चार पॉइंट्स में से यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको यहाँ पे रोम्बस बनाना है हमें, हमें पता है इधर का स्क्वायर इधर जाते टाइम पे क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। तो ए में से जाने वाली वर्टिकल लाइन जो है, इधर ए में से जाने वाली वर्टिकल लाइन कंप्लीट करो, तो हमें रोम्बस मिल जाएगा, देखो ये ए में से जाने वाली वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, सही है। फिर मैं ये बी में से जाने वाली एक्स के डायरेक्शन की लाइन, एक्स किधर है, इधर इधर है, तो एक्स डायरेक्शन में जाने वाली बी से जाने वाली लाइन, फिर सी से जाने वाली वाई डायरेक्शन की लाइन, सी से जाने वाली वाई डायरेक्शन की लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, एक्स को पैरेलल वाई को पैरेलल, तो इधर वाई वाई को पैरेलल एक्स को पैरेलल, तो डी से जाने वाला एक्स को पैरेलल रहेगा, तो डी से जाने वाला एक्स को पैरेलल। मैं आप कॉमन सेंस से समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने इधर का स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दिया, रोम्बस कर दिया। अब उसके बाद इस सर्कल को ऑब्जर्व करो, इस सर्कल के एक्चुअली चार सेक्टर्स है, देखो सेक्टर ए बी, इसको अगर मैं थोड़ा डार्क करता हूँ तो ये सेक्टर ए बी है समझो ग्रीन कलर में, फिर ये सेक्टर बी सी है, सही है, फिर सेक्टर सी डी है, और फिर सेक्टर ए डी या डी ए बोलो, मतलब ये सर्कल चार सेक्टर से बना हुआ है। इसमें क्या है, ऑर्थोग्राफिक होने की वजह से इन चारों सेक्टर्स का सेंटर एक ही है, एक ही रेडियस लेके एक सेंटर लेके चारों सेक्टर्स आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये इधर ट्रांसफर होते टाइम पे चारों सेक्टर्स के सेंटर अलग हो जाते हैं। क्यों, देखो अगर आपको आपने अगर कभी देखा होगा ये इलिप्स बन जाता है, तो ये जो सेक्टर है ए बी सेक्टर इधर लंबा होने जाने वाला है, देखो मैं मतलब आर्बिट्री करके दिखा रहा हूँ, इसको ड्रॉ करने का प्रोसेस बाद में बताता हूँ। सेक्टर ए बी को ऑब्जर्व करो, ये मैंने ड्रॉ किया, उसका पेरीमीटर बढ़ चुका है, देखो ये इधर छोटा है, इधर इसका लेंथ बढ़ चुका है। सेक्टर बी सी को ऑब्जर्व करो क्या होगा, उसका लेंथ घट चुका है, छोटा बन चुका है। सिमिलरली सेक्टर सी डी जो है वो बढ़ चुका है, वो लंबा हो चुका है, वो उसका आर्क का लेंथ बढ़ गया है, और सेक्टर ए डी जो है वो छोटा हो चुका है, मतलब ये दोनों सेक्टर्स जो है उनका लेंथ घट रहा है, ये दोनों सेक्टर जो है उनका पेरीमीटर बढ़ रहा है। इसका मतलब इन चारों जो आर्क से सेक्टर से इनका सेंटर एक नहीं है, जैसे यहाँ पे इन चारों सेक्टर का सेंटर क्या था, एक था, वैसे इन चारों सेक्टर्स का सेंटर अलग अलग है, तो हमें ढूंढना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ढूंढने के लिए हमने इस रोम्बस को कंस्ट्रक्ट किया है, इस रोम्बस में ही सारे सेंटर्स है। तो पहले सबसे आसान वाले सेंटर्स अगर हमने नाम देता हूँ मैं, तो मैं अगर इन कॉर्नर्स को रोम्बस के कॉर्नर्स को नाम देता हूँ ओ वन ओ टू, लेट अस से दिस इज ओ वन ओ टू ओ थ्री एंड ओ फोर, सही है। अब ये ओ वन ओ टू ओ थ्री ओ फोर जो है उनको अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ तो क्या बनते हैं, देखो ये बनेगा ओ वन, सही है, हमने ट्रांसफर करने के बाद इसका नाम ओ वन आएगा, ये ओ टू आएगा, फिर ये ओ थ्री आएगा, और ये ओ फोर आएगा, सही है। अब इसमें से ओ वन एंड ओ थ्री ये जो पॉइंट्स है ये कौन से पॉइंट्स है, देखो जिनका एंगल बड़ा वाला है 120 डिग्री एंगल वाले दोनों, सही है, और इस साइड के रोम्बस के एंगल्स क्या है, छोटे है, ये एंगल्स क्या है, कम एंगल है। तो ये जो ओ वन और ओ थ्री है रेडीमेड सेंटर्स है किसके लिए, देखो ये ए बी सेक्टर जो है उसका सेंटर जो है ओ थ्री होता है हमेशा, उसके अपोजिट का कॉर्नर। तो मैं क्या करूंगा, ओ थ्री ले, ओ थ्री से ए ले रेडियस लेके इस सेक्टर को कंप्लीट करूंगा, जैसे मैंने तब किया था। ये क्या करेंगे हम, कंपास में इतना डिस्टेंस लेंगे, ओ थ्री से ए डिस्टेंस कंपास में लेके ये सेक्टर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये 25% ट्रांसफर हो चुका है, हो गया। बचा कौन अभी इस साइड पे, तो इस साइड का जो आर्क रहेगा ये लंबा वाला, उसका अपोजिट कॉर्नर कौन है, ओ वन है, तो ओ वन को सेंटर लेके ये बचा हुआ काम कंप्लीट करो, ये ओ वन को सेंटर ले लो,
O1 टू से रेडियस ले लो और यहाँ से ये आर्क कंप्लीट करो। इस तरह से मैंने आधा मतलब 50% मेरा सर्कल ट्रांसफर हो चुका है। अब बचा क्या है, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क। अभी आपका कॉमन सेंस आपको बता रहा होगा ये जो सर्कल है ये किसी छोटे सर्कल का हिस्सा है जिसका सेंटर यहाँ कहीं आने वाला है अंदाजन, ठीक है। तो वो सेंटर अगर ढूंढना है हमें, उसका प्रोसेस मैं बताता हूँ। उसके लिए क्या करना है, O3 ले लो या O1 ले लो, कोई भी आपकी मर्जी। चलो मैं O3 लेता हूँ। O3 ले लो और O3 के अपोजिट साइड्स जो है उनके सेंटर्स को उससे ज्वाइन करो। जैसे ये कंस्ट्रक्शन लाइन से मैं करके दिखाता हूँ क्या करना है हमें। क्या बोला मैंने, O3 को उसके अपोजिट फेस जो एज है रोम्बस का उसके सेंटर से ज्वाइन कर दो। O3 को उसके अपोजिट एज के सेंटर से ज्वाइन कर दो, सही है। O3 के अपोजिट दो ही एजेस है, ये फेस को ज्वाइन नहीं कर सकते, इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके अपोजिट कौन है, यही है, यही है। तो उनको मैंने ज्वाइन कर दिया, हो गया यहाँ तक पहला स्टेप। दूसरा क्या करना है, O2 O4 जो है ये लाइन वाला लंबा वाला सबसे लंबा वाला डायगोनल, रोम्बस के दो डायगोनल्स है O1 O3 एंड O2 O4। O1 O3 का हमें कुछ काम नहीं है, हमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, O2 O4। क्यों O2 O4, क्योंकि हमें पता है कि ये सर्कल का जो सेंटर है सिमेट्रिक ही लाइन पे आएगा, इसी लाइन पे आएगा। तो इस लाइन को ज्वाइन करो बाय सिमेट्री, इस लाइन को ज्वाइन करता हूं मैं। तो वो सर्कल का सेंटर, दोनों सर्कल का सेंटर इसी पॉइंट पे आना चाहिए। तो हमने जो ये O3B लाइन ज्वाइन किया था उसके ऊपर ये सेंटर मिल चुका है मुझे, ये वाला इनका इंटरसेक्शन, और फिर इधर का इनका इंटरसेक्शन, सही है। O1 किसका था, इसका था। O3 किसका था, इसका था। अब हमें क्या करना है, ये जो सेंटर नया मिला हमें इतना रेडियस लेके, ये सेंटर बी इतना डिस्टेंस रेडियस लेके ये बचा हुआ आर्क हमें कंप्लीट करना है, ये वाला। फिर इधर का ये रेडियस ले, वही रेडियस होता है वो, उतना ही डिस्टेंस रेडियस लेके कंपास में ये बचा हुआ आर्क कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने क्या किया, उधर का सर्कल जो है इधर हमने चार हिस्सों में इलिप्स में कन्वर्ट कर दिया। हर बार हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अब हम इसको कौन से प्लेन में किया, मैंने इसको ट्रांसफर मैंने XY प्लेन में किया, क्योंकि मेरा सर्कल कौन से इसमें था, फ्रंट व्यू में था, फ्रंट व्यू XY में होता है। अगर समझो वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में सर्कुलर पार्ट है, कोई सर्कुलर पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू में है, तो कैसे करेंगे उसका एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। सेम प्रोसेस है, देखो ये वाला, ये एक सर्कल है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू में सर्कुलर पार्ट है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू है, गेटिंग। तो ये हमारा O पॉइंट बन जाता है, O कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो ये हमारा X डायरेक्शन रहेगा, सही है, ये हमारा वाई डायरेक्शन रहेगा। फिर हमें यहाँ पे वो कहाँ आया था, आता है याद है आपको, उस साइड पे जाता है सबसे। तो ये एज और हॉरिजेंटल लाइन इनका इंटरसेक्शन जो रहेगा, ये वाला पॉइंट, ये हमारा क्या रहेगा, वो पॉइंट रहेगा। यहाँ से कौन जाता है, जेड जाता है, और ऊपर कौन जाता है, वाई जाता है। तो हमारा सर्कल कौन से प्लेन में, देखो वाई जेड प्लेन में। तो अगर इधर सर्कल वाई जेड प्लेन में है तो इधर भी सर्कल वाई जेड प्लेन में ही आना चाहिए, सही है। तो इसको अगर प्रोसेस शुरू करता हूं मैं, तो मुझे ये कॉर्नर जो है ये सिलेंड्रिकल हॉरिजेंटल सिलेंडर है, कैन यू इमेजिन दिस। तो हॉरिजेंटल सिलेंडर जब मैं रखूंगा यहाँ पे, तो ओ पॉइंट मेरा फाइनल नहीं ड्रॉ कर सकता मैं, ओ पॉइंट मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से समझो मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से वर्टिकल वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करूंगा, वहां से 30 डिग्री के ऊपर एक्स एक्सिस बन जाएगा मेरा, इधर 30 डिग्री के ऊपर जेड एक्सिस बन जाएगा मेरा। दिस इज जेड, दिस इज एक्स एंड दिस वन इज वाई, सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हम क्या करते हैं, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये रोम्बस इधर इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, हर बार क्या करना है, सर्कल को स्क्वायर में इंस्क्राइब करना है। ये इंस्क्राइब हो गया, अब पॉइंट A1 का आएगा, A1 ये नाम देने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए नाम देता हूँ मैं आपको। तो समझो अगर ये सेंटर्स के जो सेंटर्स है, ये सेंटर A1 A B C D, चार सेक्टर बन गए, इन चारों सेक्टर्स को इधर ट्रांसफर करना है। तो हमारा पॉइंट O कहाँ पे, यहाँ पे, तो O पॉइंट मिल चुका है हमें, सही है। तो O पॉइंट अभी हमारा यहाँ पे फाइनल लाइन नहीं है, तो ये लाइन फाइनल नहीं कर सकता, तो ये भी लाइन में फाइनल नहीं कर सकता अभी, सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस रोम्बस को Z डायरेक्शन में, O से Z डायरेक्शन में ये लाइन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना डायमीटर जितना रहेगा, ये लाइन कितना रहेगा, जितना डायमीटर है, O से Z डायरेक्शन में ये डिस्टेंस में इधर ट्रांसफर करूंगा। तो ये भी कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा, ये पॉइंट मिल जाएगा मुझे, सही है। कंस्ट्रक्शन में लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, वहाँ से एक पॉइंट मिल गया। फिर मुझे वर्टिकल वाई डायरेक्शन में उतना डायमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, तो वर्टिकल एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, तो ये पॉइंट मिल जाएगा, सही है। फिर इधर में वर्टिकल पे डायमीटर मेजर करके ये डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में, यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा डायमीटर मेजर करके, ये लेंथ। और फिर बचा हुआ रोम्बस कंप्लीट करने के लिए मुझे ये इस तरह से पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल गया, अभी रोम्बस मिल चुका है, सही है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा,
नेक्स्ट स्टेप होता है इस रोम्बस का सेंटर लाइन। एक्चुअली क्या करना चाहिए था हमें, हमने सेंटर को पहले लोकेट करना चाहिए था, लेकिन अब चलो ठीक है मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। तो पहला स्टेप तो मेरा क्या होना चाहिए था, ये रेडियस लेके ये पॉइंट मार्क करना चाहिए था मैंने, पहला स्टेप मेरा ये होना चाहिए था आइडियली, लेकिन चलो अभी हो गया तो कोई बात नहीं। या सेंटर ये रेडियस लेके या पॉइंट मार्क करना चाहिए था, फिर वहाँ से जेड डायरेक्शन को पैरेलल लाइन हमने चेन लाइन ड्रॉ करना चाहिए था, ये हमारा आइडियल प्रोसेस था। फिर हमने ये रेडियस मार्क करना चाहिए था यहाँ पे, फिर वहाँ से एक वर्टिकल चेन लाइन ड्रॉ करना चाहिए था, और बाद में हमने रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करना चाहिए था। फिर हमने इधर रेडियस, इधर रेडियस, इधर रेडियस, ये रेडियस, इस तरह से मार्क करके चार पॉइंट्स मिलकर रोम्बस बन जाता था। सही है, कोई भी मेथड से जाओ यहाँ पे यहाँ तक आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद हमें मिल गया, अभी देखो जो बड़ा एंगल है कौन सा, ऑब्टूस एंगल, ये वाला 120 डिग्री, देखो ये 120 डिग्री, ये रेडीमेड सेंटर्स होते हैं, याद है आपको, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाली स्लाइड ऐड करो, ये रेडीमेड सेंटर्स होते हैं। इनको सेंटर लेके कितना रेडियस लेना पड़ेगा, ये वाला रेडियस, ये पॉइंट्स को अगर नाम देता हूँ मैं, तो ए कहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे समझो बी सी एंड डी, और हमने O1 O2 अगर कहाँ पे भी देता हूँ मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं O1 बोल देता हूँ समझो, ये O1 आ गया, ये O2 कॉर्नर हो गया, ये O3 कॉर्नर हो गया, एंड ये O4 कॉर्नर हो गया। अभी O1 एंड O3 हमारे रेडीमेड सेंटर्स है क्योंकि वो बड़ा एंगल वाले पॉइंट्स है, तो उनका O1 भी रेडियस लेके मैं ये सर्कल कंप्लीट कर सकता हूँ, ये हिस्सा लंबा वाला बड़ा वाला हिस्सा, याद है आपको, ये O1 से लेके B तक ये बड़ा वाला हिस्सा मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, फिर O3 से लेके A तक ये रेडियस लेके ये बड़ा वाला हिस्सा, इस साइड का बड़ा वाला हिस्सा कंप्लीट कर सकता हूँ। सही है, फिर बचा गया 50% काम हो चुका है, उसके लिए बात में क्या करना पड़ता है, सेंटर को ज्वाइन करना पड़ता है, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है उसको कनेक्ट कर दो। सही है, अब ये जो सेंटर्स आएंगे इन दोनों पॉइंट इन लाइन के ऊपर ही आने हैं, तो क्या करना है, हम O1 को चूज़ करो या O3 को चूज़ करो, आपकी मर्जी है। समझो मैंने O1 को चूज़ किया तो उसके अपोजिट का फेस का सेंटर, यहाँ तक जाऊँगा O1 के अपोजिट के फेस का सेंटर, यहाँ तक जाऊँगा मैं, फिर क्या मिला मुझे, मुझे ये दो सेंटर्स मिल गए, ये वाला और ये वाला। सही है, फिर क्या करता हूँ मैं, उसको रेडियस लेके दिस सेंटर इनटू दिस दिस डिस्टेंस एज रेडियस, ड्रॉ द सर्कल, दिस डिस्टेंस एज रेडियस, ड्रॉ द आर्क। सही है, एंड इन दिस वे वी हैव ट्रांसफर्ड दिस सर्कल टू दिस सर्कल इन टू इलिप्स हियर। अब हमने बाहर का सर्कल कर दिया, सिमिलर प्रोसेस से आपको अंदर का सर्कल भी एक स्क्वायर में इंस्क्राइब करना पड़ेगा। क्लियर है, हो गया क्लियर, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ अभी मैं, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ये। सिमिलरली सेम टाइप का प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगा, ये अंदर के सर्कल को करना पड़ेगा। तो मैं अंदाजन क्या करता हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे दिखेगा वो। तो ऐसे कुछ लंबा वाला कर्व आएगा ये वाला, और छोटा वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इस तरह से अंदर का भी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा बाय यूजिंग दी रोम्बस। ओके, अब हमें इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक्सक्लूड किया हुआ है, सर्कल को क्या किया है, सिलेंडर के फॉर्म में एक्सक्लूड किया हुआ है, यहाँ से समझ रहा है मुझे, एक्स डायरेक्शन में, देखो एक्स डायरेक्शन में। तो मुझे क्या करना पड़ता है इस ऐसे केस में, इसको एक्स डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, यहाँ से ए पॉइंट से और इस पॉइंट से टेंजेंट जाएगा एक्स डायरेक्शन में, ये लेंथ दिखाने के लिए। तो अगर एक्स डायरेक्शन में जाता हूँ मैं, कितना जाना पड़ेगा, जितना ये लेंथ रहेगा, यहाँ तक गया मैं समझो, फिर एक्स डायरेक्शन में जाऊँगा, जितना लेंथ है यहाँ तक गया फिर मैं समझो। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो हिस्सा है, दिस पार्ट ऑफ द आर्क, दिस पार्ट ऑफ द आर्क एंड दिस पार्ट ऑफ द आर्क हैज़ टू बी रिपीटेड हियर। हो गया क्लियर, कैसे आएगा देखो, मैं पहले रब करके दिखाता हूँ। पहले ये हिस्सा इसका, ये वाले पार्क का है, ये हिस्सा ये वाले आर्क का है, और बीच वाला हिस्सा किसका है, ग्रीन वाले आर्क का है। ये मुझे रिपीट करने के बाद में सर्कल मेरा सिलेंडर कंप्लीट होने वाला है। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे रोम्बस कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है क्या, जरूरत नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कौन कौन से कर्व मुझे रिपीट करने हैं, ये वाला तो उसका सेंटर यहाँ पे है, फिर ये वाला उसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे है, सही है, और ये वाला उसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये तीन पॉइंट्स जो है वो मुझे चाहिए इसके लिए। तो मैं सिलेंडर का जो कंप्लीट इलिप्स है कितना डिस्टेंस आगे गया हूँ, ये डिस्टेंस आगे गया हूँ, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सही है, कितना डिस्टेंस आगे गया मैं एक्स डायरेक्शन में, इक्वल टू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो मुझे ये तीनों पॉइंट्स को एक्स डायरेक्शन में उतना डिस्टेंस आगे जाना है। समझो अगर ये लेंथ 80 mm है, 80 mm फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो पॉइंट है O1 पॉइंट को मैं एक्स डायरेक्शन में 80 mm से शिफ्ट करूंगा। मतलब कि कैसे करना होता है वो करने के लिए हमें क्या करना होता है, O1 से हमें एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना होता है। O1 से एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया, उस कंस्ट्रक्शन लाइन पे O से लेके कितना 80 mm आगे शिफ्ट हो जाऊंगा मैं। अब वो कहाँ पे आएगा पता नहीं, मैं अंदाजन करता हूँ, समझो वो यहाँ पे आ गया, सही है, वो अगर
यहाँ पे या आगे पीछे आएगा, वो कहीं पे आएगा, आई डोंट नो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया समझो। तो ये रेडियस यहाँ पे सेंटर लेके यहाँ से रेडियस मेजर कर लो, ये वाला ग्रीन सर्कल ना, तो ये रेडियस लेके ये आर्क कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इतना हिस्सा। फिर ये बचा हुआ कहाँ से होगा, ये कहाँ तक जाएगा आर्क, ये यहाँ तक ये ग्रीन आएगा, यहाँ तक ये ग्रीन आएगा, सही है। और ये बचा हुआ कौन है, ब्लू वाला बचा मैंने बताया हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल को मतलब इस सेंटर को अलॉन्ग एक्स कितना एमएम आगे लेके जाना पड़ेगा, 80 एमएम आगे लेके जाना पड़ेगा, इसको अलॉन्ग एक्स 80 एमएम आगे लेके जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे लेके गया उसको मैं, इसको यहाँ पे लेके गया, और फिर ये रेडियस लेके ये हिस्सा कंप्लीट करूँगा मैं, ये रेडियस लेके ये हिस्सा कंप्लीट करूँगा मैं, सही है। इस तरह से मैंने ये जो हाफ कर्व है इधर ट्रांसफर किया, इसके लिए अलग से रोम्बस बनाने की जरूरत नहीं है, सही है। दैट इज वॉट वी हैव डन इट दिस इन विच प्लेन, कौन सा प्लेन है ये, जेड वाई, जेड वाई प्लेन में हमने इसको, जेड वाई प्लेन में था ना ये जेड वाई, तो उसमें उसको कंस्ट्रक्ट किया, सही है। अगर ये टॉप व्यू में आता है समझो, ये हमने पहला केस था फ्रंट व्यू का, दूसरा केस था लेफ्ट हैंड साइड व्यू का, तीसरा केस मैंने लिया है एक आर्बिट्री कोई भी एग्जाम्पल जिसमें मैंने टॉप व्यू में सर्कल दिखाया है, तो टॉप व्यू का अंदर का सर्कल हमें अगर ड्रॉ करना है तो पहला काम क्या करना पड़ता है, ये सेंटर को ढूंढना पड़ता है, सही है। तो हमारा यहाँ पे ओ किधर है देखो, यहाँ पे ओ दिया है, तो टॉप व्यू में ओ कहाँ आएगा, ये कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा आपको, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आप कर सकते हो। टॉप व्यू में ओ किधर होता है, नीचे होता है, तो हमारा ओ इधर नीचे आ गया। अब मुझे बताओ, अगर आपने पहले लेक्चर मिस करके रखे हैं, आपको ये ओ का कंसेप्ट पता नहीं है, यहाँ से जेड आगे जाता है ये पता नहीं है, तो आपको डिफिकल्ट लगने वाला है। और अगर आपने ये अच्छे से किया हुआ है, ये दो तीन बार मेरे प्रॉपर लेक्चर्स देख के पूरा ग्राफ्स किया हुआ है, तो फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये फ्रंट फेस जो है वो फ्रंट फेस नीचे चला जाता है, ये फ्रंट फेस नीचे जाता है, तो ये अब ये प्लेट है ऐसा, ऐसा एक प्लेट है जिसका ये फ्रंट फेस नीचे दिख रहा है हमें, तो वो नीचे चला गया। तो मुझे पता चल रहा है कि ओ से मुझे यहाँ पे ये फेयर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता मैं, यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो फेयर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, ओ पॉइंट मार्क करूँगा। ओ पॉइंट कैसे बनता है, पहले पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ेगा, वहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लाइन लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जेड डायरेक्शन में 30 डिग्री पे लाइन, ये हो गया जेड डायरेक्शन में 30 डिग्री पे लाइन, ये हो गया एक्स डायरेक्शन पे 30 डिग्री पे लाइन, और ये वाई हमारा, तो ये ओ बन जाता है। फिर हम क्या करना पड़ेगा, हमें प्लेट का थिकनेस पता है कितना, ये जो कुछ रहेगा वो यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे, वहाँ से एक्स डायरेक्शन में एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, फिर यहाँ से एक्स डायरेक्शन में एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, फिर हमें डायमीटर पता है इसका, जेड डायरेक्शन में देखो, ओ से जेड डायरेक्शन में डायमीटर, आउटर डायमीटर, वो इधर ट्रांसफर करके ये पॉइंट मिल जाएगा मुझे, और उस वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूँगा मैं, सही है। फिर क्या करूँगा, एक्स डायरेक्शन में जाऊँगा, ये वाला एज, कितना डिस्टेंस आगे जाऊँगा मैं, जितना ये टोटल डिस्टेंस रहेगा उतना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आगे जाके, फिर ये सब कुछ मैं कंस्ट्रक्शन में करूँगा क्योंकि अभी मेरा फाइनल नहीं कुछ, तो ये आगे जाके फिर यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस, ये वाला टोटल डिस्टेंस लेके फिर मैं जेड डायरेक्शन में इसको कंटिन्यू करूँगा, ये पैरेलल लाइन रहेगा, दिख नहीं रहा होगा शायद मैं भी, और फिर यहाँ से वर्टिकल वाई डायरेक्शन में ये वाला लाइन का। तो इस तरह से प्लेट है, और इस प्लेट के अंदर अभी क्या आया, अब अंदाजन बता देता हूँ पहले मैं, इस तरह से हमें एक आर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, सही है, ये वाला, फिर उसको नीचे एक प्रोजेक्ट करके फिर ये वाला कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इस तरह से प्लेट बनने वाला है, और फिर बाद में इसके अंदर इलेप्टिकल होल भी आने वाला है, ये हमारा फाइनल फॉर्म होने वाला है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी देखो क्या प्रोसेस बताया मैंने, जब भी हमें आर्क्स प्रोड्यूस करने हैं तो उनका क्या करना पड़ता है, पहले सेंटर लोकेट करना पड़ता है। तो मैं अभी आपको पता है ये वाई है, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसका सेंटर प्रोजेक्ट करेंगे, देखो सेंटर कहाँ पे आएगा, इसका सेंटर कितना डिस्टेंस लेगा, ये रेडियस है बाहर का रेडियस, तो ये जो लाइन है यहाँ से हमें अंदर जाना है बाहर का रेडियस, तो ये लाइन से अंदर गए हम, बाहर का रेडियस जितना रहेगा समझो वो इतना है, सही है। और वहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ से चेन लाइन भी आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको पता है वो सेंटर लाइन है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, चेन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सही है। क्या किया मैंने, ये जो लाइन है ये टॉप फेस पे मैंने शिफ्ट कर दिया, सही है। फिर हम क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे रेडियस, ये बाहर का रेडियस लेके यहाँ पे हम पॉइंट मार्क करेंगे, और वो पॉइंट यहाँ पे आएगा समझो, तो यहाँ से मैं अगर चेन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो इस तरह से मुझे सेंटर मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, हमें पहले बाहर का सर्कल ड्रॉ करना है या अंदर का, ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, बाहर का करके दिखाता हूँ, अंदर का आपको पता है कंप्लीट रोम्बस जब जैसे रहता है तब उसको क्या करोगे आप, एक स्क्वायर में इंस्क्राइब करोगे और फिर रोम्बस बना के इसको उधर शिफ्ट करोगे, सही है।
अब मैं बाहर का करके दिखाता हूँ। बाहर के केस में अभी क्या है, इधर पूरा सर्कल तो है नहीं, आधा ही सर्कल है, लेकिन हमें रोम्बस तो ऑलमोस्ट पूरा ही बनाना पड़ता है। तो रोम्बस कैसे बनेगा, ये रेडियस इधर भेज दोगे तो यहाँ पे एक इस तरह से स्क्वायर बनेगा, सही है। तो ये जो लाइन है ये हमें मिल चुका है ऑलरेडी, सही है, ये लाइन भी हमें मिल चुका है ऑलरेडी, ये लाइन भी हमें मिल चुका है ऑलरेडी, सही है। तो ये जो इधर रेडियस है तो इधर भी रेडियस जाना पड़ता है, तो ये डिस्टेंस लेके इधर जाऊंगा मैं, सही है, वो डिस्टेंस लेके मैं कहाँ जाऊंगा, इस साइड पे पॉइंट मार्क करूंगा और वहां से एक जेड डायरेक्शन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा और वहां से मुझे मेरा रोम्बस कंप्लीट हो जाता है। हालांकि मुझे इधर का एरिया में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हाफ सर्कल चाहिए। अब मुझे बताओ हाफ सर्कल में कितने सेक्टर आ रहे हैं, ये वाला एक सेक्टर आ रहा है और ये वाला एक सेक्टर आ रहा है, मतलब दो ही सेक्टर्स आ रहे हैं, चार सेक्टर नहीं है। तो मुझे इधर दो ही सेक्टर ड्रॉ करने हैं, तो वो भी आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि इसमें मुझे छोटा सेक्टर इधर आने वाला है और बड़ा सेक्टर इधर आने वाला है, ये आप माइंड में इमेजिन कर सकते हो। तो बड़ा सेक्टर का सर्कल सेंटर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो रोम्बस का जो अपोजिट कॉर्नर होता है वही उसका सेंटर होता है, तो मुझे बड़ा सर्कल जो है वो तो एक सेकंड में मिल जाता है। देखो ये उसका सेंटर बन जाएगा, कुछ ओवन बोल दो उसको, हम ओवन बोलते थे उसको। तो ये रेडियस लेके मैं बड़ा सेक्टर का ये सेक्टर कंप्लीट कर दूंगा, सही है, यहाँ तक हो गया। अब बचा कौन है, इसको ड्रॉ करना है मुझे, इसका सेंटर ढूंढना है। इसका सेंटर ढूंढने के लिए ये कॉर्नर हमें पता होना चाहिए था, इसलिए ये दोनों साइड का मतलब रोम्बस के दोनों कॉर्नर हमें चाहिए होते, इनके बिना हम काम नहीं कर सकते। इसके बिना कर सकते, जैसे इसको ज्वाइन करूंगा मैं, इसको अगर ज्वाइन करूंगा मैं तो इतना भी सफिशियंट है, इस कॉर्नर की मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कर लेता हूँ कंप्लीट। लेकिन ये ओवन के बिना तो नहीं चलेगा, मतलब रोम्बस का ये डिस्टेंस तो लगने ही वाला है, सही है। तो आप ये लाइन ड्रॉ करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओवन लेने के लिए आपको ये डायमीटर इधर प्लॉट करना पड़ेगा, सही है। अब मुझे क्या चाहिए, इधर आर्क बनाना है तो इसके ऊपर सेंटर आने वाला है मुझे पता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये बड़ा वाला ओवन और उसके अपोजिट फेस का ये सेंटर, इनको ज्वाइन करूंगा। इधर ज्वाइन करके कुछ फायदा है क्या, नहीं है, क्योंकि उधर सर्कल ड्रॉ ही नहीं करना है मुझे, तो उधर ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, कंप्लीट सर्कल अगर मुझे चाहिए होता तो मैं इधर भी ज्वाइन करता था, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे सर्कल मिल चुका है ब्लू सर्कल का, ये वाला सेंटर मिल चुका है, तो इतना रेडियस लेके ये मैं हाफ कंप्लीट कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, सेमी सर्कल को कंप्लीट कर दिया। अब मैं बचा हुआ हिस्सा इसके बाद क्या करता हूँ, आइडियली ये बचा हुआ हिस्सा इसको डार्क करके मुझे फिर मेरा इमेजिनेशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, अगर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ तो प्लेट मुझे इमेजिन होने लग जाता है तो मेरा काम आसान हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब नीचे का फेस चाहिए मुझे, ये नीचे वाला, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से टेंजेंट डालो, यहाँ से क्या करो, कंस्ट्रक्शन से एक टेंजेंट डाल दो, जहाँ से टेंजेंट शुरू हो रहा है उसके नीचे कितना जाओगे, जितना प्लेट का हाइट है ये वाला, तो यहाँ से नीचे कितना जाना पड़ेगा, जितना प्लेट का हाइट है उतना नीचे जाके पॉइंट को लाइन को डार्क कर दो, सही है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, कैन यू इमेजिन, यहाँ पे ये हिस्सा कंप्लीट करना है, तो उसमें क्या क्या आ रहा है, देखो ये ब्लू वाला कर्व इतना आ रहा है और बचा हुआ कौन है, ग्रीन वाला कर्व है, सही है। तो इनके मुझे सेंटर्स पहले चाहिए, तो मैंने अंदाजन ड्रॉ कर दिया, अंदाजन थोड़ी कर सकते हो आप, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उनके लिए क्या चाहिए, ये इतना सर्कल कौन सा है, इसका हिस्सा है, तो ये सर्कल का सेंटर मुझे नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, ये किसका हिस्सा है, कौन से सेंटर से बना है, ये वाले, तो इसको भी नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं, दोनों सेंटर से मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन एकदम थीन ड्रॉ करने का। आपका कंस्ट्रक्शन वर्क अगर थीन नहीं रहेगा तो ये सब कुछ होचपोच हो जाएगा, ठीक है ना, खिचड़ी हो जाएगा, समझेगा नहीं कुछ भी, इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क एकदम थीन होना चाहिए, सही है, समझ रहे हो। और जो कुछ फाइनल हो चुका है उसको डार्क भी किया करो, जैसे मैंने करके रखा है बचा हुआ। फिर मैंने क्या किया, इस सेंटर को नीचे लेके गया, कितना डिस्टेंस शिफ्ट करूंगा नीचे में उसको, मुझे कर्वेचर को कितना डिस्टेंस लेके जाना है नीचे, जितना प्लेट का थिकनेस है, तो मुझे कर्वेचर को अगर इतना डिस्टेंस लेके जाना है तो मुझे सेंटर को भी उतना ही डिस्टेंस शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर कर्वेचर इस प्लेट का विड्थ थिकनेस 20 mm है तो कर्व को 20 mm नीचे लेके जाना है, तो उसके सेंटर को भी 20 mm नीचे लेके जाओ, तो 20 mm नीचे लेके जाके ये मुझे नया सेंटर मिल जाएगा। वो सेंटर ले लो ओरिजिनल सर्कल का रेडियस इधर से मेजर करके, यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा ये सर्कल से बन जाएगा, सही है। ये टेंजेंट पॉइंट है देखो ये वाला, गेटिंग और नॉट। अब बचा कौन, ये ग्रीन वाला, ग्रीन वाले सर्कल कहाँ पे, उसका सेंटर कहाँ पे, ये वाला ओवन, ओवन को कहाँ शिफ्ट करोगे, वर्टिकल लाइन से नीचे, कितना डिस्टेंस, ये जितना mm रेडियस है, 20 mm रेडियस नहीं सॉरी 20 mm विड्थ थिकनेस है प्लेट का, तो ओवन को इधर नीचे शिफ्ट कर दिया। रेडियस कहाँ से मेजर करोगे, यहाँ से मेजर करोगे, ठीक है, वही रेडियस लेके इधर मार्क कर दोगे, तो ये बच जाएगा आपका नीचे वाला सर्कल। इस तरह से हमने क्या किया, प्लेट को कंप्लीट कर लिया। आप बाद में क्या कर सकते हो, ये कंप्लीट करने के बाद में अंदर का सर्कल कंप्लीट करो, तो उसके लिए क्या लगेगा, अंदर का रोम्बस लगेगा,
अंदर का रोम्बस कंस्ट्रिक्ट करो, आपको चार कॉर्नर्स मिल जाएंगे। चार कॉर्नर्स मिलने के बाद बड़ा वाला ये वाला सेंटर लेके ये बड़ा वाला सेक्टर कंप्लीट करो, ये वाला सेंटर लेके ये इधर साइड का बड़ा वाला सेक्टर कंप्लीट करो, फिर यहाँ से ये सेंटर लाइन मिल जाएगा आपको, इसको ज्वाइन करोगे आप इस रोम्बस को, फिर इसमें से कोई भी एक कॉर्नर को इधर ज्वाइन करोगे, इधर ज्वाइन करोगे, फिर यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, फिर उनको सेंटर लेके ये बचा हुआ सेक्टर इधर का, ये बचा हुआ सेक्टर इधर का, इस तरह से आप अंदर का सर्कल भी कंप्लीट कर दोगे। सही है? सो इन दिस वे वी ट्राई टू कंप्लीट ऑल दी सर्कल्स यूजिंग द रोम्बस मेथड। ओके, इधर का स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाता है? रोम्बस बन जाता है। ये जैसे एग्जांपल्स में आएगा उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। चाहे तो आप इन तीन क्वेश्चंस को करके देखो, सो दैट आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा अगर टाइम है तो। सही है? सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द एग्जांपल। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।